लगभग 24-25 लाख रुपए के लगभग मुझे मिल जाते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लगभग 10 लाख रुपए इनसे बच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सभी भाइयों का वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आया हूँ, भैसौड़ गाँव पड़ता है। यहाँ पे एक किसान भाई हैं और ये पिछले काफ़ी टाइम से इन्हें लैब्राडोर का शौक है। इन्होंने अपने घर में ही बहुत सारे लैब्राडोर और जो प्योरेस्ट जो क्वालिटी होती है लैब्राडोर की, इंग्लिश लैब्राडोर की, रखी हुई है। बहुत अच्छे आपको लैब्राडोर देखने को मिलेंगे आज इस वीडियो में। और जिस भी भाई को लैब्राडोर पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, ये है अजीत भाई का घर। आप दोस्तों, घर के आंगन में ही बहुत सारे डॉग्स हैं और बहुत प्यारे लैब्राडोर आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। नमस्कार अजीत भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज आपके घर आए हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ आपने बना रखा है। अभी अपने घर के आंगन में ही इतने सारे लैब्राडोर, बहुत प्यारे लैब्राडोर्स हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज आपके घर के आंगन में हैं और आपके शौक को दुनिया को दिखाने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय अपना। मैं अजीत सिंह, टिल्लू के नाम से मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं। जी जी। मेरा गाँव भैसौड़ पड़ता है, मुरादाबाद मेरा ज़िला है और मुरादाबाद से मेरा लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है। जी जी। ये अलीगढ़ हाईवे पर पड़ता है। जी। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्यारे लैब्राडोर्स हैं आपके पास में, ठीक है। और ये जो लाइन है आजकल देखने को नहीं मिल रही है, ये बहुत कहते हैं ना, बहुत पुरानी जो लाइन है, जो और जो शोज़ में भी हमने बहुत बार देखी है इस तरीके की लाइन। तो कैसे शुरुआत हुई शौक की, ये बताइए। शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन लैब्राडोर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ब्रीड है। जी जी। और वो मैंने मेंटेन कर रखी है काफ़ी दिन से। मेरे अपनी ब्रीडिंग के सारे डॉग्स हैं ये। अच्छा, अपनी ब्रीडिंग के? अपनी ब्रीडिंग के डॉग हैं। जी 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 जी। पहले मैंने इधर उधर से थोड़े खरीदे थे, फिर मैं मेंटेन किए हूँ। अच्छे डॉग जो भी होते हैं उनसे हम मेट कराते हैं फीमेल, और अच्छी ही ब्रीडिंग करते हैं। KCI रजिस्टर्ड डॉग है मेरे। जी जी। सारे रजिस्टर्ड। कौन सी लाइन है? मैंने अब से काफ़ी दिन पहले एक दो फीमेल ली थी। जी जी। एक डॉग भी परचेज किया था। जी जी। उसके बाद मैंने अपनी ही पूरी एक ब्रीड तैयार कर रखी है, सारी चैम्पियन डॉग हैं, इनके मदर फादर भी सारे चैम्पियन हैं। फीमेल पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। जी। फीमेल मैंने ली, बाकी फिर जहाँ भी मुझे डॉग अच्छे लगे इंडिया में, जी, जो भी अच्छे ब्रीडर हैं जो डॉग लाते हैं उनसे अपनी फीमेल मेट कराई। कुछ मैंने अपने आप भी कराता हूँ, मेरे पास अच्छे डॉग हैं। जी। बस जो बच्चे पसंद होते हैं रोकते हैं, बाकी आप देख रहे हैं डॉग की क्वालिटी तो आप देख के पता चल जाएगा। आप शो में ले जाने के लिए तैयार हैं, आप देखिए। जी। शोज में जाते हैं आप? जी जाता हूँ, लेकिन मैं शो खुद नहीं करता। जी। शो में मैं जाता हूँ, सारे शो देखता हूँ। जी जी जी। अच्छा, जैसे आप जमींदार आदमी हैं, किसान हैं, जी, ठीक है, और आपके घर पे खड़े हैं भाई। जी। ठीक है, ऐसा होता है कि हमें पसंद है, घर वालों को नहीं पसंद। जी। तो कई बार होता है ना कि आपको पसंद है, आपकी वाइफ को नहीं पसंद, तो दिक्कत आती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत फ्रेंडली आराम से। मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं रहती। जी, आप देख रहे हैं सारे आंगन में खेले घूम रहे हैं। जी 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 जी। घर भी सपोर्ट करता है? नहीं, घर भी कोई गंदगी भी नहीं है, आपको देखना है। हाँ, प्रॉपर टाइम पे खाना देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, ये इनका घर का आंगन है और आंगन में ही ये खेल, जब से मैं आया हूँ ये खेल रहे हैं यहाँ पे, ये और इनके पीछे भी इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है इनकी रात की। पीछे केज बना रखी है ना, कैनल बना रखा है पूरा। जी 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 जी। अच्छा, ये जो लाइन है जैसे मैं बता रहा था, डॉग शोज में ही देखने को मिलती है आज के टाइम पे, ठीक है। एक होते हैं ब्रॉड फेस वाले, हैवी रिंकल्स, और इसमें रिंकल्स नहीं है, लेकिन इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एज पर जो नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे मैं बुक भी पढ़ रहा था, बुक है, तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। पारस भाई, आपने डॉग मेरे देख रखे हैं? जी। आप देख रहे हैं ये सारे डॉग, ये मेरे रिंकल्स वाले डॉग नहीं है। अच्छा। ये सारे KCI रजिस्टर्ड डॉग हैं और सो क्वालिटी डॉग हैं। जी। जो सो में जा सकते हैं, इनमें से कोई सा भी डॉग आप सो में ले जा सकते हैं। जी। और आप रिंकल्स की बात कर रहे हैं, रिंकल्स वाले डॉग, आप कभी भी KCI के जो डॉग सो होते हैं आप उन्हें देखिए, आप उनकी वीडियो देखिए, आप उन्हें देखिए, कोई भी डॉग रिंकल्स वाला नहीं होता। जी। आप प्रॉपर देखिए मेरे प्रॉपर एकदम इनका बॉडी स्ट्रक्चर, हाथ पैर, टॉप लाइन, टेल सेटिंग, आप देखिए डॉग की। जी, आपको डॉग देखने से ही पता चल जाएगा कि किस टाइप के डॉग हैं। कितना टाइम हो गया शौक को? शौक तो मेरा 2006 से चल, शौक तो बचपन से है, लेकिन डॉग गेम में मैं 2006 से हूँ। 2006 से हूँ। बाकी और ब्रीड की मैंने पहले, शिज़ू के भी आपके पास? हाँ, शिज़ू के मेरे पास हैं, लेकिन शिज़ू में सो वगैरह के लिए आपके बेटे को पसंद है? हाँ, मेरे बेटे को पसंद है, वो रखता है, मेरा भतीजा है वो रखता है। अभी मेरे पास शिज़ू के बच्चे हैं, जी, अभी लीटर हुआ है। जी जी जी। 7 बच्चे हैं मेरे पास। जैसे किसान आदमी हैं आप, ठीक है, तो ये शौक है या फिर से कुछ अर्निंग भी होती है आपको?
नहीं, पहले तो ये मेरा शौक है जी। और अगर डॉग आप पालते हैं तो बिना शौक के तो डॉग नहीं रख सकते ना। जी 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 जी, शौक जरूरी है, कोई भी जानवर रखने के लिए शौक जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अर्निंग ये है कि डॉग मैं पालता हूँ, कभी ये कोई घाटे का सौदा नहीं होता, कमाई भी हो जाती है, शौक के साथ कमाई भी होती है। उस पे लगभग 24-25 डॉग इस टाइम हैं। जी 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 जी। मेरी कुछ प्रेग्नेंट बिच हैं जो महीने 15 दिन में बच्चे देने वाली हैं, वो यहाँ हालांकि मैं नहीं लेके आया हूँ जी। तो इतने डॉग का मैं क्या करूँगा, अगर मुझे शौक में पालने होते तो दो रख लेता, तीन रख लेता। जी जी। तो जैसे आप अभी मुरादाबाद में हैं जी, तो जब पप्स होते हैं, जैसे अभी प्रेग्नेंट हैं बिचेस, वो आप नहीं दिखा रहे हो उन कैमरा, तो उनके जो पप्स होते हैं वो कहाँ कहाँ भेजते हैं आप? परस भाई मेरे पास फोन आते रहते हैं, कॉन्टेक्ट हैं मेरे। अच्छा। बहुत से लोग मुझे जानते हैं जी जी। और जो लोग जानते हैं वो मुझसे डॉग खरीदते हैं। ऐसा मेरे पास बच्चे रुकते भी नहीं है, 30-35-40 दिन तक बच्चे चले जाते हैं। अभी मेरे पास बच्चे थे जी, और लास्ट बच्चा मेरा कल ही गया है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो चले गए हैं सारे बच्चे। वैसे तो ये लार्ज ब्रीड में आता है, ठीक है। तो खुराक कैसी है और क्या देते हैं खाने में, थोड़ा इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। खुराक कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लैब्राडोर दरअसल खाने, इसे खाने के लिए कम ही देना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा खाने के लिए देंगे तो ये बहुत हैवी वेट हो जाएंगे। अच्छा। फिर दो टाइम खाना देते हैं, नॉर्मल खाना देते हैं जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना देते हैं। अगर जैसे मैं मीट देता हूँ इन्हें तो 300 ग्राम मीट देता हूँ, चिकन पूरे दिन में बस 300 ग्राम में पेट भर जाता है। 300 ग्राम में मीट देता हूँ एक डॉग को। हाँ। और बाकी एक टाइम अपनी दूध रोटी जो भी घर की होती है जी, वो मैं दे देता हूँ, क्योंकि किसान हूँ तो गाय भैंस तो मेरे घर हैं। वैसे मिडिल क्लास जो हम इंडियंस हैं, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस लैब्राडोर रहती है, क्योंकि बहुत क्यूट होता है, जोली नेचर होता है, खुश रहता है, और मालिक की जो थकान होती है वो पूरे दिन की, वो साथ रह के शैतान भी होता है हालांकि, ठीक है। तो किन्हें आप प्रेफर करोगे, किसी भाई को अगर डॉग लेना है, ठीक है, किसे प्रेफर करोगे, किसे लेना चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए लैब्राडोर? पारस भाई मेरे डॉग आप देखिए, कोई भी आपको ऐसा थुलथुलाया बहुत मोटा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है जी जी। और ये एकदम एक्टिव डॉग है, जैसे लोग बालकों की धारणा है कि लैब्राडोर बड़ा सुस्त कुत्ता होता है। जी 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 जी। आप देख लीजिए मेरे डॉग एकदम एक्टिव हैं, डॉग लवर हैं। मेरा तो मन ये है, मेरा कहना ये है कि लैब्राडोर रखें, बहुत अच्छा डॉग है, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। लैब्राडोर बहुत अच्छा डॉग है, एक तो ये बीमार नहीं होता और इसका रख रखाव भी बहुत ज़्यादा इजी है। इजी है, बिल्कुल इजी है इसका खाना पीना सब कुछ। और थोड़ा वो लोग इसे लें जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं डॉग को, जिस बंदे के पास टाइम नहीं है वो डॉग को टाइम नहीं दे सकता, और वो अपना फैमिली मेम्बर डॉग को नहीं मानता, वो डॉग ना खरीदे। जी जी। जैसे आपने बताया था बीमारी नहीं इतनी है इसमें जी, तो कभी ना कभी आपको भी ऐसे कुछ ना कुछ तो बीमारी देखो होती है, पारवो होती है, परेशान करती है, तो कभी बीमारी आपने फेस करी होगी, तो सारे डॉग्स में आपके पास ऐसा रहा हो कि भाई एक में आए सब में आने लगी, फिर कभी ऐसा कोई वाक्य हुआ आपके साथ? अगर आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी। आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए। मेरे पास जब डॉग होते हैं, पैदा होते हैं, 28 दिन पे हम पपी डीपी एक वैक्सीन होती है वो लगाते हैं। उसके बाद अगर डॉग हमारे पास बच्चा रुकता है, फिर हम फर्स्ट डोज पपी डीपी लगाने के बाद दूसरी डोज 7-in-1 की लगा देते हैं। जी जी। और अगर और समय तक रुकता है तो हम पूरा उसका वैक्सीनेशन कर देते हैं, लेकिन एक वैक्सीन हम जो भी बच्चे लेते हैं उन्हें हम एक वैक्सीन लगा के देते हैं, बाकी उसका वैक्सीनेशन कार्ड हम दे देते हैं जी, वो अपनी प्रॉपर वैक्सीन कराएं। जी जी। अगर वो प्रॉपर वैक्सीन कराएंगे तो कोई भी जैसे पारवो है बाकी और बीमारियां वो नहीं आएंगी। जी जी। अगर आप वैक्सीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी निश्चित आएगी। अरे भाई शौक की बात तो हमने कर ली, अब थोड़ी पैसे की बात करते हैं, ठीक है। शौक भी तब तक चलता है जब तक अपनी जेब में पैसा हो, ठीक है ना। तो ये बताइए कि अर्निंग कैसी हो रही है आपको, क्योंकि मैं मानता हूँ आपके पास ठीक ठाक क्वांटिटी में फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, तो आने वाले टाइम पे बच्चे भी देंगी, ठीक है ना। और आप इतने टाइम से कर रहे हैं तो आपको पता होगा भाई सालाना मैं खेती के अलावा इसमें से इतने अब मेरे पास रुपये आ जाते हैं, तो थोड़ा वो हिसाब बताइए। देखिए पारस भाई, अब मैं इतने डॉग जब रखता हूँ तो इनका खर्चा भी थोड़ा कम नहीं होता। बिल्कुल है, अच्छा खासा खर्चा। आपने बंदा भी रखा है यहाँ? मेरे पास एक बंदा भी रहता है, वो लगभग 10,000 रुपये महीने तो बंदा भी लेता है। जी जी जी। फिर इनका खाना पीना है, मेरा कम से कम 5 किलो के लगभग मीट आता है रोज का डेली, गैस भी खर्च होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी चावल रोटी दूध ये सारा कुछ, अंडे सारा कुछ लगता है, तो ये वैसे यही निकालते हैं, बाकी मुझे ऊपर से भी देते हैं। मेरे पास लगभग 20 फीमेल हैं और 4 मेरे पास स्टड डॉग, स्टड डॉग्स हैं। अब ये लगा लीजिए कि 20 फीमेल में से 15 फीमेल साल में एक बार बच्चे दे देती हैं, मैं एक ही बार एक फीमेल से एक ही बार बच्चे लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एवरेज फीमेल का
ये लगा लीजिए कि 5 बच्चों का आ जाता है। कुछ फीमेल ज्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। एवरेज हम 5 का, एवरेज लगभग 5 का आप मान लीजिए, 4 से 5 का मान लीजिए। कुछ स्टड डॉग हैं मेरे पास, स्टड भी आती हैं। अच्छा, तो अच्छा मेटिंग जो आती है आपके पास? हाँ, मेटिंग जो आती है, स्टड डॉग हैं जो मेटिंग आती हैं मेरे पास, जी जी, वो भी मुझे बच्चे मिलते हैं। और लगभग 100 से 125 बच्चे में साल भर में आप देते हैं? दे देता हूँ, मतलब 120 बच्चे आप साल में? जी, दे देता हूँ। जी 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 जी, अपने अपनी अपनी ब्रीडिंग के, बाकी मैं इधर उधर से कहीं से बच्चे नहीं देता। तो मतलब एक मैं बोलूँगा बहुत अच्छी क्वांटिटी है ये तो। जी, अब उसमें से आधे से ज़्यादा खर्चा हो जाता है डॉग पर। जी जी, वैक्सीनेशन है, बाकी इनका सब आप खाना पीना देखते हैं। जी जी जी, बच्चा, अब आप कंडीशन से डॉग की देख रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि कोई ऐसा मेरा डॉग तो लग नहीं रहे, बाकी भी और सारे दिखाना है संभव नहीं है, कैनल में है कुछ डॉग। जी 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 जी, बैठे हुए हैं सारे से? सारे ही बैठे हुए हैं, लगभग 24-25 लाख रुपए के लगभग मुझे मिल जाते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लगभग 10 लाख रुपये इनसे बच जाते हैं। जी 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 जी, तो 10 लाख रुपए मतलब आपको अपनी खेती तो चली रही है, उसकी ये शौक से आते हैं? शौक से आ जाते हैं, लेकिन उसमें मेहनत भी है पारस भाई, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, मेहनत तो बिल्कुल, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, हमें सुबह शाम लगना पड़ता है इसमें। कितने बजे उठते हैं आप सुबह? मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। 4 बजे उठ जाते हैं? कोई भी मुझे कॉल कर सकता है सुबह 4 बजे। अच्छा, तो इतने सारे डॉग्स को एक्सरसाइज भी तो करानी पड़ती होगी? पूरी एक्सरसाइज भी करानी होती है, एक मेरा बंदा इस पे लगा हुआ है, लगातार वो देखता है इन्हें, और बाकी खाना देना होता है, 2 टाइम खाना देना होता है, खाना भी मैं अपने हाथ से देता हूँ, सारे डॉग अपने हाथ से अपने सामने देता हूँ। जी 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 जी, ऐसा नहीं है कि मेरा जो सर्वेंट है उसने दे दिया। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में अजीत भाई, जिनको टिल्लू भी कहा जाता है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना अपने इस शौक के बारे में, अपने इस डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके डॉग्स पसंद आए होंगे। जिस भी भाई को लैब्राडोर चाहिए अच्छी क्वालिटी में, तो भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर सेवा का अवसर जरूर देना एक बार। ये थी आज की वीडियो में लैब्राडोर के ऊपर, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।